तो मौजी सटकली। डायलॉग याद है? किसका डायलॉग है? तो हाँ, आज बॉलीवुड के सिंगम अजय देवगन का जन्मदिन है। अजय देवगन ने जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था तो उनकी नशीली आंखों की लाखों लड़कियां दीवानी हो गई थी। अजय अपने मुंह से एक शब्द ना कहे लेकिन उनकी आंखें पूरी अदाकारी कर दी थी। अपने दमदार अभिनय से अजय देवगन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अजय देवगन एक्टर बनना नहीं चाहते थे? क्या आपको पता है कि अजय देवगन के लिए रवीना टंडन ने करिश्मा कपूर से झगड़ा कर लिया था? या फिर कौन कौन सी अजय देवगन की वो फिल्में जो डिब्बा बंद हो गई थी? तो आइए उनके जन्मदिन पर जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। अजय देवगन फिल्म इंडस्ट्री में निर्देशक बनने का सपना लेकर आए थे। उनके पिता वीरू देवगन हिंदी फिल्मों के नामी स्टंटमैन रहे हैं। उसी दौरान अजय देवगन की मुलाकात कुक्कू कोहली से हुई, जो उन दिनों अपनी फिल्म फूल और कांटे के निर्माण में व्यस्त थे और एक ऐसे अभिनेता की तलाश में थे जो रुमानी भूमिका के साथ साथ एक्शन दृश्य भी कर सके। उनकी निगाह फिर अजय देवगन पर आई तो और क्या था, अजय देवगन को फूल और कांटे मिल गई। इसके बाद अजय देवगन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। अजय देवगन ने एक एक्शन हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाई। अजय अपनी पहली ही फिल्म से हजारों बॉलीवुड फैंस के फेवरेट एक्टर बन गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अजय देवगन ने फूल और कांटे से बॉलीवुड में कदम नहीं रखा था? उन्होंने 1985 की फिल्म प्यारी बहना में मिथुन चक्रवर्ती के बचपन का किरदार निभाया था। अजय को मास्टर छोटू के नाम से बिल भी भेजा गया था। 90 के दशक में बॉलीवुड के फैंस के दिलों पर राज करने वाले अजय देवगन के अफेयर्स के चर्चे भी खूब रहे हैं। कहते हैं कि रवीना टंडन ने अजय देवगन के लिए करिश्मा कपूर से भी झगड़ा कर लिया था। अजय देवगन और रवीना टंडन की नजदीकियों की मीडिया में खबरें तब आई जब वो दिलवाले की शूटिंग कर रहे थे। इसके बाद अजय की नजदीकियां उस टाइम की टॉप हीरोइन करिश्मा कपूर से भी बढ़ी। बताया जाता है कि करिश्मा कपूर के नजदीक आने से अजय रवीना टंडन से दूर हो गए। इस बात को लेकर रवीना और करिश्मा में झगड़ा भी हो गया था। खबरों की माने तो अजय देवगन से ब्रेकअप होने पर रवीना टंडन इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। रवीना और करिश्मा के बीच भी अजय को लेकर काफी टकरार हुई। यहाँ तक कि ये टकरार फिल्मों में भी दिखने लगी। दोनों उस जमाने की टॉप एक्ट्रेस थी लेकिन इस चक्कर में तीनों का करियर डगमगाने लगा। लिहाजा अजय ने इस झमेले से निकलकर दोनों से किनारा कर लिया। और फिर आई अजय देवगन की जिंदगी में काजोल। दोनों ने 24 फरवरी 1999 को शादी कर ली थी। अजय सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन के डायरेक्टर की पहली पसंद थी। सलमान खान के बजाय वो अजय देवगन को कास्ट करना चाहते थे, तो वही डर फिल्म के लिए भी शाहरुख खान के बजाय पहला ऑफर अजय देवगन को दिया गया था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से अजय देवगन वो फिल्म नहीं कर पाए। संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी में भी लीड रोल के लिए अजय से संपर्क किया था लेकिन तारीखों और फीस को लेकर वो सहमत नहीं हुए और ऑफर ठुकरा दिया। अजय देवगन महेश भट्ट की फिल्म गिरवी करने वाले थे लेकिन ये फिल्म 20% ही हुई और डिब्बा बंद हो गई। यही नहीं, उनकी एक अन्य फिल्म सिंगर भी डिब्बा बंद हो गई। 1999 में अजय को फिरोज खान की फिल्म कुर्बान तुझ पे मेरे जान में लिया गया, जिसमें वह ऐश्वर्या राय बच्चन और फरदीन खान के साथ थे। हालांकि ये फिल्म भी डिब्बा बंद हो गई। कहते हैं अजय देवगन हर सुबह अपने माता पिता के पैर छूकर ही घर से निकलते हैं। तो अजय देवगन के फैंस, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में अपने सुपरस्टार को हैप्पी बर्थडे विश करना ना भूलें। लोकमत न्यूज की तरफ से अजय देवगन को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।